फॉर्मूला ही आता है आपके पेपर में, या अगर आएगा, वैसे तो मोबिलिटी कम आती है, बट मैंने इसमें प्रूफ लिखा हुआ है फॉर्मूला कहां से बना। मोबिलिटी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चल रहा होगा वो कितना तेजी से मूव कर सकता है, कितना फ्री टू मूव है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। अगर वो मूव नहीं कर पा रहा तो उसकी मोबिलिटी कम है। तो मोबिलिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है तो इस इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगी कितनी, क्यूई, कॉन्स्टेंट फोर्स है ना, तो ई चेंज होगा ना एफ चेंज होगा। ये माना जाता है जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है या चल रहा होता है कंडक्टर में तो उसको अपोजिशन मिलती है ड्यू टू कोलिजंस। वो जो अपोजिंग फोर्स होती है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है। ये टाइप का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो प्लस वन में। जब आप एक स्फीयर को लिक्विड में डालते हैं तो एम जी फोर्स है, अप थ्रस्ट है, और एक अपोजिंग फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि शुरू में तो ये एक्सेलरेट करता है लेकिन बाद में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, और उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सेम है इसके अंदर भी, इसमें शुरू में तो एक्सेलरेट करता है क्योंकि ये फोर्स बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अभी छोटी है, कॉन्स्टेंट किया आएगा जो मटीरियल पर डिपेंड करेगा, तो अपोजिंग फोर्स छोटी है। कुछ टाइम के बाद ये अपोजिंग फोर्स इसके बराबर हो जाती है, और फिर क्योंकि शुरू में तो एक्सेलेशन होता है क्योंकि ये फोर्स बढ़ी है इससे, तो एक्सेलेशन आ गई। कुछ देर के बाद एक्सेलेशन जीरो हो जाती है क्योंकि ये फोर्स इसको अपोज करती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें टर्मिनल नहीं, इसमें ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया ये रहा, और ये ई और के एक कॉन्स्टेंट है, इस नए कॉन्स्टेंट का नाम है म्यू, म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन तेज भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, जो तेज भाग रहा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जो स्लो भाग रहा है उसकी मोबिलिटी कम है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, प्रूफ तो बुक्स में गिवन भी नहीं है, तो मैं कहीं और से लेके आया हूं, तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट कर